अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बंद रोड के बारे में। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ रिंग रोड के ऊपर, और ये रोड सीधा आगे जा रहा है हमारा DHA वाली साइड पे, एयरपोर्ट वाली साइड पे, मुगलपुरा, धर्मपुरा, इस साइड पे हमारा ये तमाम का तमाम रोड जा रहा है। और लेकिन अगर हम आएँगे इस साइड पर, ये रोड सीधा हमारा जा रहा है आगे बाबू साहब वाली साइड पर, और वहाँ से आगे जो मैंने जूम किया है, यहाँ से हमारा जो है वो बंद रोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बंद रोड के बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा जो हमारी प्रॉपर्टी है, काफ़ी लोग प्रॉपर्टी के बारे में परेशान हैं, तो हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के बारे में भी इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे कि किस किस जगह से हमारी जो है वो प्रॉपर्टी टूटेगी और किस किस जगह पर जो है वो लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। आज की इस वीडियो में हम जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ अहमद ट्रैवल के बिल्कुल सामने। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आपको जो है वो अहमद ट्रैवल जो लारी अड्डा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हमारा जो है वो बंद रोड का काम जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होता है। इसके अगर हम पीछे जाएंगे, पीछे हमारा तमाम का तमाम रिंग रोड है। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारा यानी कि कह लें कि एम ए ट्रैवल से आगे सगिया पुल जहाँ पर हमारा आता है, वहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी जो है वो नहीं टूटने वाली। वहाँ तक हमारी तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो सेफ़ है। तो उसके बरक्स अगर हम बात करें सगिया पुल से आगे, आगे मींस जहाँ से हमारा गुलशन रावी स्टार्ट होता है, आपको पता होगा वहाँ से हमारा जो है वो रोड तंग हो जाता है। गुलशन रावी से पहले एक टोल टैक्स आता है, वहाँ तक हमारा तमाम का तमाम रोड काफ़ी खुला है। वहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी उस पॉइंट तक बिल्कुल भी नहीं जो है वो डिसमेंटल की जाएगी। लेकिन अगर हम उससे आगे जाते हैं, आगे आपको पता होगा कि काफ़ी जो है वो रोड क्रॉस करने वाले आपको पेडेस्ट्रियल ब्रिज जो है वो नज़र आते होंगे, जो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं स्टील से। वहाँ पे मैं अगर बात करूँ, जहाँ पे हमारा जो है वो आर्टिफिशियल ब्रिज आता है, जहाँ पर ब्रिज की सीढ़ियाँ आती हैं, वहाँ पर जो है वो लोगों की काफ़ी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। अभी तो फ़िलहाल वहाँ पर तमाम के तमाम जो है वो ये डिसमेंटल किए जा चुके हैं, लेकिन उनके सीध में जितनी प्रॉपर्टी आएगी, मीन्स के जो सीढ़ियाँ हैं हमारे पेडेस्ट्रियल ब्रिज की, वहाँ से कहने के एक एक दो दो फुट आगे लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी आती है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी जो है वो डिसमेंटल की जा सकती है। उसके अलावा जहाँ पे हमारा टोल टैक्स आता है, उससे पीछे पीछे जितना भी एरिया है, वहाँ पर जो है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी जाएगी। और उसके आगे जहाँ पे रोड तंग होता है, वहाँ पर जो है वो चांसेस हैं, अगर वहाँ पर लोगों को नोटिफिकेशन आया तो वो समझें ये रियल नोटिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले जिनको आता है वो समझो फेक है वो। तो लिहाजा हमारी जो प्रॉपर्टी के बारे में जो बात है, वो यहाँ तक जो है वो इतनी ही तोड़ी जाएगी। तो बाकी आप देखेंगे यहाँ से जो हमारा जो है वो फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, सीधा आगे जाएंगे बाबू साहब आएगा, पीछे जाएंगे रिंग रोड आएगा। तो बाकी यहाँ पर जो है वो साइड वॉल्स, उसके अलावा जो हमारी स्टील की वॉल्स आएंगी, वहाँ पर जो है वो उसका काम जारी है। और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आगे जो है वो हमारा जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है, वहाँ पर हमारी जो है वो रोड बन चुकी है। उससे पहले जिस साइड में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है वो रोड का काम जारी है। सामने आप देख सकते हैं टैंक के ज़रिए जो है वो पानी लगाया जा रहा है। तो पानी लगाने के बाद यहाँ पर जो है वो रोड का जो है वो बजर वो डाला जाएगा। बाकी चलते हैं हम आगे। तो गाइस, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो है वो रास्ता, पीछे आप देखेंगे रावी ब्रिज क्रॉस करके जब हम आगे आते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ये साइड यहाँ से शुरू होती है, ऊपर आप देखेंगे आपको जो है वो रिंग रोड नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारी जो है वो रोड को डिसमेंटल किया जा चुका है। डिसमेंटल करने की वजह यह है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि आगे जो है वो इस पॉइंट से लेकर आगे यादगार फ्लाईओवर, और यादगार फ्लाईओवर से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम आते हैं, तो काफ़ी जो है वो रोड ख़राब है। तो ख़राब होने की वजह से तमाम के तमाम रोड यादगार फ्लाईओवर तक जो है वो डिसमेंटल किया गया है, और यहाँ पर जो है वो न्यू रोड बनेगी, जो काफ़ी बहुत ही इनके कहने की अच्छी खबर है लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है वो न्यू रोड बनेगी, तो सोचा आपको ये भी जो है वो हिस्सा दिखा दिया जाए। यहाँ पर जो है वो तमाम की तमाम रोड तोड़ दी गई है, आगे जो है वो न्यू रोड बनेगी। तो चलें गाइस, आज की मेरी वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।